हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SSIT गांधीनगर। माई सेल्फ प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन यूनिट 5 एयर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, फिफ्थ सेमेस्टर। एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 1 ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन यूनिट, विच नेम इज कंपोनेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन। सो दोस्तों, हम सभी को पता है कि एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेशन लाइक वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। सो आज हम डिस्कस करने वाले जो हमारा GTU सिलेबस है उसके हिसाब से कि एयर ट्रांसपोर्टेशन का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से होता है, एयरपोर्ट क्या है, ठीक है, मास्टर प्लान क्या है, साइट सिलेक्शन किस हिसाब से होता है, इमेजिनरी सरफेस, ऑब्स्ट्रक्शन और एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम विंडोज डायग्राम, रनवे ओरिएंटेशन, टैक्सीवे, रनवे मार्किंग और एप्रोन के बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट और इसके पर्पज है एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट के डेफिनेशन के साथ। सो व्हाट इज द एयरपोर्ट? सो एयरपोर्ट की डेफिनेशन है एनी एरोड्रोम एट विच अ परमानेंट कस्टम एंड इमिग्रेशन फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड। कोई भी एरोड्रोम है जहाँ पे कोई परमानेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कस्टम और इमिग्रेशन की, ठीक है, उस फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कोई भी एरोड्रोम को ड्रोम पे, तो उसको हम एयरपोर्ट बोलेंगे। सो बेसिकली ये एरोड्रोम क्या है? सो वॉट आर द एरोड्रोम्स? सो एरोड्रोम डिफाइन एज अ डिफाइंड एरिया ऑन अ लैंड और वाटर including any building, installation and equipment intended to be used either wall or in a part for the arrival, departure and surface movement of the aircraft. Simply, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी डिफाइंड एरिया जहाँ पे लैंड पे हो या वाटर पे हो, उस डिफाइंड एरिया में हम हमारा कोई भी बिल्डिंग है या तो इंस्टॉलमेंट या तो इक्विपमेंट इंक्लूड करते हैं और उसके साथ एयरपोर्ट का अराइवल डिपार्चर होता है या सरफेस मूवमेंट एयरक्राफ्ट की होती है, उसको हम एरोड्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्पेस को हम एरोड्रम बोलेंगे। तो इस हिसाब से एनी एरोड्रम एट विच के कोई भी एरोड्रम जहाँ पे कस्टम और इमिग्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है, तो इसको हम एयरपोर्ट बोलेंगे। सो फर्स्ट एरोड्रम वॉज बिल्ट इन UK 1910 कि 1910 में पहला एरोड्रम यूनाइटेड किंगडम ने डेवलप हुआ था, बिल्ट हुआ था। सो फर्स्ट मॉडर्न एयरपोर्ट वॉज बिल्ट इन जर्मनी। एरोड्रम के बाद जो मॉडर्न एयरपोर्ट है वो जो बिल्ट हुआ था वो जर्मनी में फर्स्ट टाइम बिल्ट हुआ था। सो बिफोर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, कब हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले। तो ये है हिस्ट्री ऑफ एयरपोर्ट। सेकंड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट। सो किस हिसाब से हम एयरपोर्ट को क्लासीफाई करते हैं? सो द एयरपोर्ट आर क्लासीफाइड एज द बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन यूजेस और ऑनरशिप, बेस्ड ऑन फैसिलिटीज एंड बेस्ड ऑन एयरक्राफ्ट टू सर्व। तो इन चार फंक्शन के बेस हम एयरपोर्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन। तो जिस हिसाब से हेलीपोर्ट मीन्स फॉर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के लिए जो एयरपोर्ट बनाते हैं तो उसको भी हम पोर्ट बोलते हैं। दूसरा है STOL पोर्ट, जिसका मीन होता है शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, कि कोई भी जगह पे मीन फॉर शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए जो हम पोर्ट बनाते हैं उस एयरपोर्ट को STOL पोर्ट बोलेंगे। थर्ड है उसका टाइप है कन्वेंशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे कॉमर्शियल और नॉर्मल कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है एयरक्राफ्ट की। फोर्थ है सी प्लेन बेस, जहाँ पे एक्वा, जिसको हम एक्वापोर्ट और सी ड्रोम्स भी बोलते हैं, दोज विच फ्लोट ऑन द सी, कि कोई भी लार्ज सी एरिया पे जो हमारा एरोड्रोम होता है वो फ्लोट होता है, ठीक है। तो उस टाइप के एयरपोर्ट को हम सी प्लेन बेस या तो एक्वापोर्ट और सी ड्रोम्स बोलेंगे। सो यहाँ पे बेस्ड ऑन द फंक्शन, यूज फंक्शन के हिसाब से, इस हिसाब से हम फोर टाइप्स में एयरपोर्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। सेकंड है बेस्ड ऑन द यूजेस और ओनरशिप। सो बेस्ड ऑन यूजेस, पब्लिक यूजेस के लिए जो एयरपोर्ट है वो क्लासिफाई करेंगे, तो उसको हम पब्लिक, प्राइवेट,
मिलिट्री यूज और जॉइन यूज, इस हिसाब से चार टाइप में ऑनरशिप के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्टेशन है जिसको ओन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा उसका हैंडलिंग होता है। दूसरा है प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जो है ओन बाय इंडिविजुअल। तीसरा है मिलिट्री यूज के लिए जो एयरपोर्ट बनाते हैं वो स्पेशल मिलिट्री पर्पज के लिए, और चौथा है जॉइंट यूज जिससे हम सिविल और मिलिट्री दोनों एविएशन के पर्पज से हम उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। थर्ड है बेस्ड ऑन फैसिलिटी अवेलेबल, कि जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है उसके हिसाब से। सो नंबर एंड टाइप ऑफ रनवे और नेविगेशन एड के हिसाब से हम एयरपोर्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। फोर्थ है बेस्ड ऑन एयरक्राफ्ट टू सर्व, कि इसके हिसाब से जो बेसिक यूटिलिटी एयरपोर्ट है, जनरल यूटिलिटी एयरपोर्ट है, बेसिक ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट है और जनरल ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट है। सो बेसिक यूटिलिटी एयरपोर्ट BU, इसके क्या इसको क्या बोलते हैं कि बेसिकली जो एकोमोडेशन मोस्ट सिंगल इंजन एंड लाइट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के लिए जो एकोमोडेशन होती है उसको हम बेसिक यूटिलिटी एयरपोर्ट बोलेंगे। जनरल यूटिलिटी में क्या है कि एडिशनली होता है कि एकोमोडेशन ऑफ मीडियम ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट अंडर 5670 kg के अंडर एयरक्राफ्ट का भी यूज होता है, एकोमोडेशन होता है, तो उसको हम जनरल यूटिलिटी एयरपोर्ट बोलेंगे। बेसिक ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट है जहाँ पे जिसका हैंडलिंग होता है, जो बिजनेस हैंडल होता है, वो जेट के अंदर 27,000 kg के अप्रोक्स होता है, ठीक है, तो उसको हम बेसिक ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और जनरल ट्रांसपोर्ट जहाँ पे जनरल ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट है जो कैन एकोमोडेट ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट फ्लाइज, कि जितने भी फ्लाइज हैं उस सबको एकोमोडेशन होगा, तो उसको हम जनरल ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट बोलेंगे। तो इस हिसाब से एयरक्राफ्ट टू सर्व्स, कि जिस हिसाब से एयरक्राफ्ट हमको सर्व्स करने हैं उसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होता है, जो इसको हम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट टू सर्व्स कहते हैं। तो ये चार टाइप है इसके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट को हम या तो एयरपोर्ट को हम इसी हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है कि बेस्ड ऑन द या तो एज पर द ICAO। ICAO क्या है, तो इसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है ICAO के हिसाब से। तो दोस्तों हमने चैप्टर 1 में जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि इंडियन सिविल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म ICAO बोलेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग द एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन गिवन बाई ICAO इज द मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन। सो द एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन एम एट अचीविंग यूनिफॉर्मिटी इन द डिजाइन स्टैंडर्ड। द ICAO क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टू वे, कौन कौन से टू वेज है। फर्स्ट वन है कि जो कोड लेटर है उसमें उसको इंडिकेशन करते हैं कि जो हमारा जो बेसिक रनवे लेंथ है उसकी विड्थ है, रनवे पेमेंट है, या तो मैक्सिमम लॉन्जिट्यूडिनल ग्रेड है। इन चारों फैक्टर के हिसाब से हम एयरपोर्ट को ABCDE इस लेटर में हम क्लासिफाई कर देंगे। तो उस बेसिक कोड लेटर के हिसाब से हम ICAO के जो गाइडलाइन है उसके ऊपर से हम एयरपोर्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली ICAO एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा है, फॉर एग्जांपल टाइप्स ए है, तो टाइप्स ए में जो बेसिक रनवे लेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी 2100 और मिनिमम होगी 2100, ठीक है। तो अप्रोक्स 2100 की मैक्सिमम और मिनिमम रनवे लेंथ है तो वो टाइप ए का एयरपोर्ट है। बट उसके साथ क्या होना चाहिए, उसकी जो विड्थ ऑफ रनवे पेमेंट है जहाँ पे वो मूव करने वाला है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 45 मीटर, और लॉन्जिट्यूडिनल ग्रेड अगर 1.5% है। तो इस क्राइटेरिया में जो एयरपोर्ट आएंगे डिजाइन के हिसाब से उसको हम टाइप ए में इंडिकेट करेंगे। कोड लेटर बी है तो जहाँ पे जो रेंज है उसकी रनवे लेंथ की रेंज है वो मैक्सिमम 2099 से 1500 है, विड्थ है रनवे की 45 मीटर और लॉन्जिट्यूडिनल ग्रेडियंट 1.5। इसी हिसाब से टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कॉर्ड लेटर के हिसाब से। सिमिलरली सेकंड जो वे है वो है हमारा कोड नंबर में, तो जो कोड नंबर 127 में हम उसका यूज करेंगे इंडिकेट करने के लिए कि जो सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड है या तो टायर प्रेशर है, ठीक है। तो व्हील लोड और टायर प्रेशर के हिसाब से भी हम ICAO की गाइडलाइन के हिसाब से हम एयरपोर्ट को क्लासिफाई कर देंगे।
तो फॉर एग्जाम्पल कोड नंबर 1 नंबर में हम डिवाइड करें और उसका हम इंडिकेशन में यूज करें, तो 1 नंबर में जो एयरपोर्ट आएगा उसका सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड होगा 45,000 kg और टायर प्रेशर होगा 8.5 kg/cm². तो उसके बेस हम आईसीओ के एयरपोर्ट को क्लासिफाई कर देंगे कोड नंबर 1 में। इस हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन नंबर तक हम क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 नंबर में जो एयरपोर्ट आएंगे उसका बेसिक सिंगल व्हील लोड 2000 होगा और टायर प्रेशर उसमें 2.5 होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयरक्राफ्ट कंपोनेंट। सो जो एयरक्राफ्ट है उसके पार्ट कौन कौन से और उसके कंपोनेंट कौन कौन से, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने स्कैमेटिक डायग्राम दिया हुआ है एयरक्राफ्ट का। तो बेसिकली जो मिडल एरिया है उसको हम फ्यूसलेज बोलेंगे, और उसके बाद ये जो है वो विंग्स है। विंग्स के साथ जहाँ पे ये जो एंजिन स्टार्ट होता है उसका जो फैन होता है उसको हम प्रोपलर बोलेंगे। विंग्स की अदर साइड है वो लीडिंग एज है, लीडिंग एज के साथ ट्रेलिंग एज और विंग के साथ एलरॉन। ठीक है, तो जो यहाँ पे एलरॉन है उसको नीचे फ्लैप है, और एंड एरिया है जो एयरक्राफ्ट का वहाँ पे वर्टिकल फिन, रडर और एलिवेटर, इन तीन इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके हिसाब से ये जितने भी कंपोनेंट है उसको हम इंजन, प्रॉपलर, फ्यूसलेज, विंग्स, थ्री कंट्रोल, फ्लैप और ट्राइसाइकल अंडर कैरिज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है एयरक्राफ्ट कंपोनेंट। हम स्कैमेटिक डायग्राम ड्रॉ करके इसको हम लिस्ट आउट करके समझा सकते हैं। सो विंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस हिसाब से विंग्स की अवेलेबिलिटी होती है कि जो लीडिंग एज होता है जिसके थ्रू हम एयर को क्राफ्ट करके मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो पोर्शन होता है उसको हम जो चॉर्ड पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे एयर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो जो फ्लाइट का पाथ होता है उसके साथ जो एंगल क्रिएट होता है उसके हिसाब से ट्रेलिंग एज और लीडिंग एज यहाँ पे दी गई है, और ये जो पोर्शन है वो कैम्बर है। तो इस हिसाब से हम विंग्स का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैम्बर एरोफॉइल आप देख सकते हो जो पार्ट है विंग्स का। ठीक है, दूसरा पार्ट है विंग्स का वो है एलरॉन। एलरॉन क्या है कि जो विंग्स है विंग्स के नीचे जो फ्लैप है फ्लैप के साथ एक यहाँ पे एलरॉन जुड़ा हुआ होता है। तो फ्लैप और एलरॉन का जो पर्पज होता है उसके हिसाब से हम विंग्स के एलरॉन प्रोवाइडेड होता है। थ्री कंट्रोल होता है कि बेसिकली जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी जो एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसको हम जो एक्स एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर को हम वाई एक्सिस बोलते हैं और इस एक्सिस को हम जेड एक्सिस बोलते हैं। सो जो एक्स एक्सिस पे एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम रोलिंग बोलेंगे। ठीक है, और जो वाई एक्सिस पे अगर एयरक्राफ्ट मूव होती है, ठीक है, तो उसको हम पिचिंग बोलेंगे, और जेड एक्सिस पे जो मूवमेंट होता है उसको हम योविंग बोलेंगे। तो इस हिसाब से ये जो तीनों कंट्रोल है वो एयरक्राफ्ट के कंट्रोल है जिसको हम थ्री एक्सिस ऑफ मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट बोलते हैं। चौथा कंपोनेंट है ट्राईसाइकल अंडर कैरिज। ट्राईसाइकल अंडर कैरिज क्या है कि जो व्हील बेस होता है एयरक्राफ्ट का वो अलग अलग बेस होता है। तो जो सिंगल व्हील असेंबली होती है तो वहाँ पे फ्रंट में दो व्हील के साथ मेन गियर और टेल व्हील होता है। सिंगल व्हील असेंबली में मेन गियर और नोज व्हील इस हिसाब से भी दिया जाता है। सेकंड है मेन गियर में ड्यूल व्हील होना और नोज व्हील होना। तो सिमिलरली ट्विन टैंडम गियर, ठीक है, तो इस हिसाब से हम ट्राईसाइकल अंडर कैरिज वे को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट का। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एटलांटा का, ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन और लार्ज एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट बनाने के लिए एयरपोर्ट का मास्टर प्लान होना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट मास्टर प्लान के बारे में। सो व्हाट इज एन एयरपोर्ट मास्टर प्लान? सो एन एयरपोर्ट मास्टर प्लान रिप्रेजेंट द प्लानर आइडियलाइज कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट। कि एयरपोर्ट के अल्टीमेट डेवलपमेंट के लिए जो फॉर्म और जिस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है उस आइडियलाइज कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम आइडियलाइज कॉन्सेप्ट देंगे उस आइडियलाइज कॉन्सेप्ट को हम मास्टर प्लान बोलेंगे जिसके थ्रू हम एयरपोर्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इफ
इफेक्टिवली रिप्रेजेंट द रिसर्च एंड लॉजिक फ्रॉम विच द प्लान वॉज डेवलप एंड आर्टफुली डिस्प्ले द प्लान इन अ लॉजिक एंड रिटन रिपोर्ट। इस रिटन रिपोर्ट में टोटली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लॉजिक फॉर्म में और रिसर्च फॉर्म में। सो मास्टर प्लान आर अप्लाइड टू द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट एंड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू एयरपोर्ट। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर द मास्टर प्लान? ऑब्जेक्टिव ऑफ द मास्टर प्लान एज पर फेडरल एविएशन एजेंसी FAA के हिसाब से जो मास्टर प्लान होता है उसका ऑब्जेक्टिव या तो किस हिसाब से मास्टर प्लान होना चाहिए। सो मास्टर प्लान टू प्रोवाइड अन इफेक्टिवली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ द एयरपोर्ट। वहाँ पे हम उस मास्टर प्लान में एयरपोर्ट को टोटली हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द एंटिसिपेटेड लैंड यूज एसजन टू द एयरपोर्ट। दूसरा है टू एस्टेब्लिश अ शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टीज प्रायोरिटीज एंड फेजिंग फॉर द वेरियस इम्प्रूवमेंट पर्पोज इन द प्लान। और तीसरा है टू प्रेजेंट द डेटा एंड डिटेल गैदर टू डेवलप द मास्टर प्लान। तो इन तीन चीज़ों का ऑब्जेक्टिव है फेडरल एविएशन एजेंसी के। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ICAO मास्टर प्लानिंग प्रोसेस है बेस्ड ऑन ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मास्टर प्लानिंग की प्रोसेस किस हिसाब से होनी चाहिए स्टेप वाइज, और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो उसका वो है प्लानिंग मेथड, जिसमें हम फिलोसॉफी, प्लानिंग सिस्टम, प्लानिंग का ऑर्गेनाइजेशन, उसकी टीम और प्लानिंग प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेप है फोरकास्टिंग फॉर द प्लानिंग पर्पज, तो जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फोरकास्ट रिक्वायर एक्यूरेसी, उसकी मेथड और प्रिंसिपल ऑफ फोरकास्टिंग और डिमांड, फ्यूचर डिमांड किस हिसाब से रहेगी, एयरपोर्ट का यूज किस हिसाब से होगा, प्रोजेक्शन और उसका टोटली फोरकास्टिंग करेंगे, उस प्लानिंग पीरियड को हम सेकंड स्टेप में इंक्लूड करेंगे। तो पहले हम प्लानिंग की मेथड बनाएंगे, उसके बाद फोरकास्टिंग के लिए प्लानिंग प्रोसेस पर्पज के हिसाब से फोरकास्टिंग करेंगे। तीसरा है साइट सिलेक्शन। सो हमने जो फोरकास्टिंग की है कि इन फ्यूचर इतना रिक्वायरमेंट है और इन फ्यूचर इतना डेवलपमेंट हो सकता है, उसके हिसाब से इस एयरपोर्ट में ये साइट की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो साइट है वहाँ पे लैंड रिक्वायर है वो कितनी चाहिए, लोकेशन कैसा चाहिए, पोटेंशियल साइट है, आउटलाइन प्लान के हिसाब से एस्टिमेशन और कॉस्ट और रिवेन्यू सब चीज़ों को ध्यान में लेके साइट सिलेक्शन है वो तीसरा स्टेप है। उसके बाद एयरपोर्ट के कॉन्फ़िगरेशन, जिसके हिसाब से रनवे है, टैक्सीवे है, होल्डिंग बेज है और लोकेशन ऑफ अदर फैसिलिटी है, इन सबको ध्यान में रख के एयरपोर्ट के कॉन्फ़िगरेशन का फोर्थ स्टेप है। उसके बाद एप्रोन जो हम बनाने वाले हैं कि उसके लेआउट कैरेक्टरिस्टिक, पार्किंग एरिया किस हिसाब से होगा, इक्विपमेंट का अरेंजमेंट और लोकेशन का अरेंजमेंट, जिसमें हम एप्रोन जो हमारा फिफ्थ स्टेप है उसमें हम और एप्रोन का प्लानिंग करेंगे। उसके बाद पैसेंजर बिल्डिंग, जो पैसेंजर बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लोर प्रिंसिपल है और उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्लानिंग हम करेंगे पैसेंजर बिल्डिंग का। एप्रोन पैसेंजर बिल्डिंग के बाद हम जो डिपार्चर फैसिलिटीज है, जो जिस हिसाब से लैंडस्लाइड रोड, लैंडस्लाइड एंट्रेंस है, चेक इन कॉन्कोर्स है, डिपार्चर है, गवर्नमेंट फर्नीचर जो कंट्रोल है, ठीक है, तो वो वेटिंग एरिया, असाइड एग्जिस्ट, इन सभी चीज़ों के जो कस्टम बैगेज है, इंस्पेक्शन है, इन सभी चीज़ों जहाँ पे आने वाली है उस डिपार्चर के लिए हम वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो वो उसके बाद का स्टेप है। जैसे डिपार्चर के बाद अराइवल है, तो अराइवल के लिए पैसेंजर का जो गेटवे होता है, एयरक्राफ्ट गेट होता है, एप्रोन होता है, एप्रोन पैसेंजर होता है, कस्टम के इंस्पेक्शन जो अराइवल है उसका कॉन्कोर्स, लैंडस्लाइड एग्जिट, इन सभी चीज़ों का जो कंट्रोल होता है वो अराइवल वाले पार्ट में करेंगे, तो वहाँ पे प्लानिंग में ये डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है कार्गो एरियाज, जहाँ पे प्लानिंग प्रिंसिपल है, कार्गो बिल्डिंग है, लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए रोड और व्हीकल पार्किंग का डिस्कशन होगा। लैंडस्लाइड रोड और व्हीकल पार्किंग और अदर बिल्डिंग का हम कार्गो एरिया के बाद प्लानिंग करेंगे, जहाँ पे विजुअल एड, नेविगेशन एड, कंट्रोल टावर और ओपन कंट्रोल टावर के बारे में डिस्कशन होगा। और उसके बाद जो हम प्लानिंग करेंगे वो एक्सिस का प्लानिंग करेंगे, जो डिफाइनिंग एक्सिस प्रॉब्लम है,
प्लानिंग उसका क्राइटेरिया प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से और प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के हिसाब से एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो इस हिसाब से हम टोटली बेस्ड ऑन ICAO के मास्टर प्लानिंग प्रोसेस है, इसके हिसाब से एयरपोर्ट का मास्टर प्लान बना सकते हैं। तो ये है स्टेप ऑफ मास्टर प्लानिंग ऑफ बेस्ड ऑन ICAO। तो दोस्तों यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हमने दो तीन टॉपिक देखे, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मास्टर प्लान और एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट के साथ साथ हमने एरोड्रम और एयरपोर्ट की डेफिनेशन देखी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।